आई थिंक जो फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर पाए, जो कोई भी कैंडिडेट हो जो फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर पाए, तो अगर लोगों का ओपिनियन है कि अभी विद करंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग इन प्लेस, अगर वो लोगों के ओपिनियन में फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड, बिकॉज इंडिया को एक एंटरप्रेन्योरियल कंट्री बनाना है. अगर वो उसकी वजह से हो रहा है देन सो बी इट. महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलपमेंट हो ही रही है. अभी आप देखोगे अटल सेतु का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. एज अ यंगस्टर आई गेस कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देश के लिए, आपको राज्य के लिए काम करना है. तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए काम कर रहे हो, राइट? आप स्पेसिफिक पोजिशन के लिए काम कर रहे हो, नहीं, आप एक देश के लिए, आप राज्य के लिए काम कर रहे हो. प्रजातंत्र में युवा पीढ़ी के मतदाताओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम है. मतदाता जब अपने मतदान का जो रूप में जो उन्हें अधिकार मिला है उसे कर्तव्य और ईमानदारी से निभाता है, तभी ही कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण होना संभव है. आज देश में कहीं ना कहीं 66% युवा पीढ़ी है. आज इसी युवा पीढ़ी से हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या विचार है आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, और इन्हें क्या लगता है कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री. तो आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं. सबसे पहले तो आप सबका युवा इंडिया में स्वागत है, और मैं आपका नाम जानना चाहूँगी. मेरा नाम सोहम है. सोहम, तो फर्स्ट टाइम वोटर हो रहा है, मतलब इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया का, सो उसका उसकी पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और फर्स्ट टाइम वोटिंग करने के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम कुछ अलग ही फीलिंग होता है वो फर्स्ट टाइम वोटर का, मतलब 18 साल के बाद लाइसेंस लेके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वोटिंग आईडी, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. और क्या लगता है कौन नई प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश के? प्रधानमंत्री मतलब जो पूरे देश को एक साथ लेके चले, ऐसा ही कोई बनना चाहिए, ना कि किसी को डिवाइड करे वगैरह, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए. पूरे देश को एक साथ लेके चले और डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करे, मतलब इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, या फिर डिफेंस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट ये है, या फिर एजुकेशन भी, मतलब जो हमारा कल्चर है उसके बारे में ज़्यादा कोई, जिस पे फोकस ज़्यादा हो हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, ऐसा कोई एजुकेशन पॉलिसीज लाए तो वो अच्छा प्रधानमंत्री बने, मतलब वो देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं. और ये जो मुद्दे आपने बोले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसा कैंडिडेट है जो लेकर देश को संभाल? मैं मतलब इतना बोलते तो इंडिया की समझ ही जाएगा कौन वो. ओके, तो ये बच्चे पहले टाइम वोटर है, तो शायद झिझक रहा है नाम लेने के लिए कि कौन होगा, बट और भी हमारे साथ लोग हैं. आपका नाम? देवांग. बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कहते हैं कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कुछ करना है, हमारा वोट काउंट होता है, तो राइट. और क्या लगता है इस बार कौन होना चाहिए पावर? आई थिंक जो फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर पाए, जो कोई भी कैंडिडेट हो जो फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर पाए, तो अगर लोगों का ओपिनियन है कि अभी विद करंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग इन प्लेस, अगर वो लोगों के ओपिनियन में फॉरेन अफेयर्स अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड, बिकॉज इंडिया को एक एंटरप्रेन्योरियल कंट्री बनाना है. अगर वो उसकी वजह से हो रहा है देन सो बी इट. ओके, तो यू सी पीएम प्रधानमंत्री नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, मतलब आप देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी प्राइम मिनिस्टर? करंट वेव देख के लग रहा है कि वही फिर से होगा, बट चेंज इज ऑलवेज गुड, चेंज काउंट, ओपिनियंस आर ऑलवेज गुड. तो अगर आपका ओपिनियन गिना जाए तो एक वोट भी मैटर करता है, तो आपका वोट मतलब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, या डिपेंड कि जो भी आपकी तरफ से बेस्ट कैंडिडेट होगा? आई एम नॉट ओपन टू डिस्क्लोजिंग हु आई एम वोटिंग, बट देखा जाएगा. आई फील लाइक अगर लास्ट दो वोटिंग के पैटर्न्स देखे तो वैसा ही कंटिन्यू हुआ तो एक वोट मैटर करेगा, बट देर इज अ मेजोरिटी हियर. ओके, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं. आपका नाम? सिद्धि गोस्वामी. सिद्धि, तो सबसे पहले तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है फर्स्ट टाइम वोट के लिए? बहुत एक्साइटमेंट है. जब पहली बार वोटर कार्ड हाथ में आया तो यस, अभी मेरी बारी है. तो एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी वजह से, और बोलते हम में युवा पीढ़ी में कुछ तो बात है, अलग बात है, तो हमारा एक वोट भी बहुत फायदेमंद है. तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कैंडिडेट इस बार जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने के लायक? सो मुझे नाम लेना नहीं था, बट आई एम अ मीडिया स्टूडेंट एक्चुअली, एंड मुझे नहीं डर लगता. आई गेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाए अब इस बार. तो फॉरेन अफेयर जैसे देवांग ने कहा,
वो भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे आई गेस एंड एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरत है प्रोग्रेस की उसमें भी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स एंड ऑल वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हमारा कल्चर इंडियन कल्चर थोड़ा ऐड होना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, बस इतना दो तीन चेंजेस हमारे लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। मेरा एक रैंडम क्वेश्चन है, जो भी आंसर देना चाहोगे आप दे सकते हो, कि जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे जो युवा को क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार ये चीज़ें हैं जो वो भी खत्म होने की कोशिश की जाएगी, आप लोगों को लगता है कि कोई नए पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज आज आपको पढ़ाई कर रहे हैं पर आप लोग भी इस मैदान में वो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए। आई फील द थिंग अबाउट बेरोज़गारी इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाथ पे हाथ बैठने से अच्छा कि अगर सच में बेरोज़गारी कम करनी है तो उसका इक्वेशन सिंपल है कि क्रिएट मोर जॉब्स, अगर नए जॉब्स होंगे, अगर नए जॉब्स क्रिएट करने हैं तो नए लोग बिजनेस में आने होंगे, नए जनरेशन को ये इनक्रेज करना होगा कि आप जॉब्स कीजिए बट खुद का कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज एक अगर आदमी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो 10 लोग को 12 लोग को एम्प्लॉय कर पाएगा। ओके, और अगर आप लोग देखोगे तो जो महाराष्ट्र में भी जो विकास वो लगातार कुछ जो बड़े बड़े गुजरात मतलब यहाँ की जो कंपनीज गुजरात वगैरह जा रहे हैं उसमें मतलब ये कुछ देश में ही तो आ रहे हैं, कुछ है वो देश में ही हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र में बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वैसे, मतलब पहले अपोज किया था फिर गुजरात गए तो वापस अपोज कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात ही है ना, मतलब अगर पहले इधर हो रहे थे कंपनीज तो उन्हें अपोज नहीं करना चाहिए था, मतलब बुलेट ट्रेन से लेकर बहुत सी चीज़ों को अपोज किया था, और अगर अब वो चीज़ें गुजरात या फिर किसी और स्टेट जा रही है तो फिर उन्हें अपोज करके या फिर उसके खिलाफ बोल के फ़ायदा ही क्या है, पर अगर कुछ हो रहा है तो देश में ही हो रहा है, देश का ही हमारा विकास हो रहा है। हमें वोटिंग राइट जो मिला है वो हमारा फ़र्ज है कि हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लाइक हम लोग बचपन से देखते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स जाके वोट करते हैं, तो हमें भी एक रहता है कि हम लोग अभी छोटे हैं लेकिन हम लोग जब बड़े होंगे तो वोट करेंगे, तो ये ड्रीम आज इस साल पूरा होने वाला है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है, नहीं नॉलेज है थोड़ा, न्यूज़ सुनती हूँ, पता है क्या चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसका वेव होगा और कौन होगा? गुजरात मतलब यहाँ की जो कंपनीज गुजरात वगैरह जा रहे हैं उसमें मतलब ये कुछ देश में ही तो आ रहे हैं, कुछ है वो देश में ही हो रहा है, मतलब महाराष्ट्र में बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वैसे, मतलब पहले अपोज किया था फिर गुजरात गए तो वापस अपोज कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात ही है ना, मतलब अगर पहले इधर हो रहे थे कंपनीज तो उन्हें अपोज नहीं करना चाहिए था, मतलब बुलेट ट्रेन से लेकर बहुत सी चीज़ों को अपोज किया था, और अगर अब वो चीज़ें गुजरात या फिर किसी और स्टेट जा रही है तो फिर उन्हें अपोज करके या फिर उसके खिलाफ बोल के फ़ायदा ही क्या है, पर अगर कुछ हो रहा है तो देश में ही हो रहा है, देश का ही हमारा विकास हो रहा है। सर हमें वोटिंग राइट जो मिला है वो हमारा फ़र्ज है कि हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लाइक हम लोग बचपन से देखते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स जाके वोट करते हैं, तो हमें भी एक रहता है कि हम लोग अभी छोटे हैं लेकिन हम लोग जब बड़े होंगे तो वोट करेंगे, तो ये ड्रीम आज इस साल पूरा होने वाला है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। एंड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट है, नहीं नॉलेज है थोड़ा, न्यूज़ सुनती हूँ, पता है क्या चल रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसका वेव होगा और कौन होगा नया प्रधानमंत्री देश को? यहाँ पे इस साल मुझे से मेजॉरिटी वोट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बीजेपी का अच्छा वेव है, कांग्रेस का भी कुछ स्टेट्स में है काफ़ी, लेकिन मुझे एक मेजॉरिटी नहीं दिखाई दे रही है, मिक्स्ड ओपिनियन से लोगों। एंड अगर आपका ओपिनियन देखने जाएंगे तो क्या लगता है? मुझे मैंने अभी तक जो भी एजेंडा है पार्टीज के तो मैंने पढ़े हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजीज है दोनों की भी, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स जो है वो बीजेपी के ज़्यादा बेटर लग रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो गोइंग टू द मैनिफेस्टो, आपको बीजेपी का मैनिफेस्टो अच्छा लगा? और ज़्यादा एक्साइटेड हो फर्स्ट टाइम? मैं एक्साइटेड था एक्चुअली, जब नया वोटिंग कार्ड मिला तो मुझे एक्साइटेड था, जब पापा को दिखता था मैं वोट करने जाते थे, अच्छा लगता था मुझे भी, सोचता था मैं भी वोट करूँगा, अभी चांस मिल रहा है तो वोट करने की अच्छी इच्छा है, करूँगा वोट। एंड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? आइडियोलॉजीज का देखा जाए तो अभी बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑनलाइन टी वी ऐसा तो बीजेपी का ऐसा देख सकते, मैं बीजेपी को कर सकता हूँ, बीजेपी का थोड़ा मैच करता हूँ आइडियोलॉजीज, थोड़े आइडियाज़ वगैरह। यस गॉट द आंसर।
अभी जो ये सारी चीज़ें हैं वो लोकसभा के बारे में हमने बात की, बिकॉज हम सब महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं हमने विधानसभा जिस तरीके से महाराष्ट्र में पार्टी फोर फोर्टी जो है वो क्या नाम है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलपमेंट हो ही रही है। अभी आप देखोगे अटल सेतु का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी हो गया है मतलब, और इधर ठाणे में भी मेट्रो जो बन रहे है इतने फास्ट डेवलप हो रहा है सब कुछ। उसके हिसाब से आई थिंक दैट हम लोग का जो रेट है अब हम लोग के प्रोग्रेस का वो कंसिस्टेंट है ओवरऑल, और इसके हिसाब से जो करंट हम लोग का जो गवर्नमेंट है वही सूटेबल है नेक्स्ट टर्म के। सूटेबल है, लेकिन जो तोड़फोड़ पार्टी में की गई है उसको लेकर क्या राय है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो वैसा एज अ यंगस्टर आई गेस कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देश के लिए आपको राज्य के लिए काम करना है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए काम कर रहे हो, राइट? आप स्पेसिफिक पोजिशन के लिए काम कर रहे हो, नहीं, आप एक देश के लिए, आप राज्य के लिए काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फोड़ाफोड़ी हो रही है वो मतलब मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगी, बट स्टार्टिंग से अभी तक वही चल रहा है और वही चलना नहीं चाहिए। एज ए यंगस्टर मुझे लगता है कि ये बंद होना चाहिए। बहुत पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल हो रही है अभी तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। यस आई थिंक अंतरालेस हम लोग को डेवलपमेंट मिल रही है तो वो जो भी अपना अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वी आर गेटिंग प्रॉपर डेवलपमेंट, एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको अलायंस बना के गवर्नमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं ना, लेकिन उसकी वजह से कॉमन पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट, लेकिन आप लोग को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाता है ये सारी जब तोड़फोड़ पार्टीज में? हाँ, और उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है पब्लिक, कॉमन पब्लिक में, क्योंकि हर एक पार्टी के दो डिविजन्स होंगे तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगा और ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, रोलिंग। ये थी हमारे साथ वो युवा पीढ़ी जो आने वाले वक्त में देश का भविष्य होगी। क्या कुछ थे इनकी राय और क्या कुछ इनके विचार थे लोकसभा चुनाव को लेकर, ये हमने सुना है। कैमरामैन अपा शेख के साथ करियाल से, ये न्यूज़ वन इंडिया।